जय भीम साथियों, तो जैसा कि आज के फेसबुक लाइव में मुद्दा है आरक्षण और जाति व्यवस्था। आपने फेसबुक लाइव का मेरा ऐड देखा होगा, पोस्टर देखा होगा, उसमें सारे तथ्यों को परखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे, जो चारों तरफ से एक डिमांड भी है और लॉ लीगल पोजीशन देख के और पूरे समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि आरक्षण तब तक जाति जब तक, तो जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। आइए तो इस मुद्दे पर थोड़ी सी विवेचना की जाए कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसे कौन से तथ्य थे जिनको हम लोगों ने परखा, जांचा, और उसके बाद हम लोग कुछ देर बात करेंगे आरक्षण और जाति पर। और उसके बाद जो सवाल हमारे दर्शक आज फेसबुक लाइव से जो जुड़े हैं, वो जो सवाल पूछे हुए पूछेंगे, उनके हम लोग जवाब देंगे। तो शुरुआत करते हैं, आरक्षण का अधिकार क्या है? तो मैं समझता हूं कि जब हम अपने देश के इतिहास को पढ़ते हैं, वैदिक काल से लेकर अब तक, तो हम पाते हैं कि वेदों के आधार पे, पुराण के आधार पे, मनुस्मृति के आधार पे, जो समाज को चार भागों में बांटकर और उसके बाद जो शूद्र और अति शूद्र बनाकर एक बहुत बड़े वर्ग को, जिसकी जनसंख्या लगभग 80% है, उसको जातिगत आधार पर पढ़ने लिखने से वंचित रखा, जातिगत आधार पर उसको जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से वंचित रखा, और जातिगत आधार पर ही उसको व्यापार करने से भी वंचित रखा, जिसकी वजह से हजारों साल की गुलामी की वजह से, हजारों साल तक पढ़ने लिखने पर, व्यापार पर, पूंजी पर प्रतिबंध लगने की वजह से 80% लोग देश के इतने ज्यादा पिछड़ गए कि जब भारत के देश की आज़ादी की शुरुआत, चर्चा शुरू हुई, जब भारत में साइमन कमीशन आया और उसके सामने विभिन्न जाति धर्म के लोगों ने अपने अपने समाज की पृष्ठभूमि को रखा, और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से सभी ने अपने अपने समाज के हक और अधिकार की बात की, जिसकी वजह से एक कम्युनल अवार्ड हमारे लोगों को बाबा साहेब के अथक प्रयास से मिला, और उसके बाद कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए, और एक समय ऐसा आया कि उनकी स्थिति बहुत बिगड़ती चली गई, उधर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर लगातार यह दबाव बढ़ता चला गया कि अगर गांधी जी की जान चली गई तो आपके पूरे समाज को जड़मूल खत्म कर दिया जाएगा, सबकी हत्या कर दी जाएगी। दबाव इस हद तक बन गया कि अपने समाज के हक और अधिकार की वो लड़ाई, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरे समाज के लिए पृथक निर्वाचन मांगने की बात की थी, और जिसको बड़े लंबे परसुएशन के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 और 3 के बाद इंग्लैंड की सरकार ने स्वीकार कर लिया था, जिसकी वजह से कम्युनल अवार्ड मिला, और उस कम्युनल अवार्ड के माध्यम से विभिन्न जाति धर्म के लोगों को अलग अलग प्रकार के अधिकार मिलने थे, जिसमें हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलने की बात लगभग तय हो गई थी, जिसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठे थे, और अल्टीमेटली जब उनकी स्थिति बिल्कुल खतरनाक हो गई और बाबा साहब पे लगातार दबाव बढ़ते चला गया, इस हद तक बढ़ गया कि अगर गांधी जी मर गए तो पूरे समाज को खत्म कर दिया जाएगा, अल्टीमेटली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव में बड़े दुखी मन से ये समझौता करना पड़ा, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से इतिहास में जानते हैं। लेकिन साथियों, उसके बाद जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान मिला, संविधान के माध्यम से सबको पढ़ने लिखने का अधिकार, सरकारी नौकरियों में आगे आने का अधिकार, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, और जो भारत की संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन मिला। लेकिन अभी रिजर्वेशन मिले हुए 70 साल भी नहीं हुए, 70 साल तो छोड़िए, जब रिजर्वेशन मिले हुए केवल लगभग 40 साल हुए थे, तभी से लगातार एक के बाद एक हमारे इस आरक्षण पर हमला होना शुरू हो गया था। उसके बाद कई जजमेंट्स आए, कुछ जजमेंट्स रिजर्वेशन के खिलाफ आए, जैसे इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक तरफ ओबीसी को रिजर्वेशन तो दिया, लेकिन साथ ही साथ SC ST के रिजर्वेशन पे हमला भी कर दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जिसकी वजह से हमारे लोग सीनियोरिटी लिस्ट बड़ी गड़बड़ा गई, कई प्रकार के ऑफिस मेमोरेंडम्स आए, उसके बाद बड़े धरने प्रदर्शन समाज को करने पड़े, और बड़े लंबे धरने प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार पर प्रेशर बना,
और उन्होंने सन 2000 में 85th अमेंडमेंट आया, उससे पहले 82 अमेंडमेंट आया, जिसके माध्यम से समाज को सीनियरिटी लिस्ट के साथ साथ प्रमोशन में भी रिजर्वेशन सुनिश्चित हुआ। लेकिन उसके बाद समय समय पर कुछ चैलेंज होता चला गया, कई एम नागराज जजमेंट आता है, जनरल सिंह जजमेंट आता है, और उसके बाद जो अभी अभी जो उत्तराखंड वाला जजमेंट आया, इससे लगातार रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले मैं आता हूँ कि रिजर्वेशन बेसिकली है कितने प्रकार का। रिजर्वेशन मैं समझता हूँ दो प्रकार का है। एक रिजर्वेशन जो धर्म के आधार पर शास्त्रों के द्वारा, वेद के द्वारा कुछ पर्टिकुलर जातियों को मिला, जैसे पढ़ाने का काम, पूजा पाठ का काम, वो सारा का सारा पर्टिकुलर एक जाति को मिल गया। दूसरी तरफ सेना के अंदर, सत्ता के अंदर, देश का शासन किसके हाथ में रहे, वो अधिकार कुछ पर्टिकुलर जातियों को मिल गया। और दूसरी तरफ व्यापार, व्यापार करने का अधिकार भी कुछ पर्टिकुलर जाति को मिल गया। देश की भूमि भी कुछ पर्टिकुलर जातियों के हाथ में आ गई। तो जो देश के लगभग 80% लोग हैं, उनके पास धर्म के आधार पर, वेदों के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर, मनुस्मृतियों के आधार पर, पढ़ने लिखने से भी वंचित, ज्ञान से वंचित, धन संपत्ति से वंचित, व्यापार से वंचित, भूमि से वंचित, लगभग सभी प्रकार से के अधिकारों से वंचित हो गए। तो जिसकी वजह से स्थिति इतनी भयावह हो गई कि हमारे लोग लगातार पिछड़ते चले गए, इस हद तक पिछड़ गए, और उनके साथ एक प्रकार के नहीं नाना प्रकार के जुर्म हुए। यहाँ तक कि त्रावणकोर की एक घटना आपने देखी होगी, वहाँ हमारे समाज की स्त्रियों को अपने स्तन ढकने पर टैक्स देना होता था। उस टैक्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे समाज की एक बेटी ने अपने स्तन काट के टैक्स के रूप में उस वक्त के राजा को दिए, तब जाके ये प्रथा खत्म हुई। दूसरी तरफ पेशवाओं के समय में आपने देखा होगा, हमारे लोगों के थूकने के लिए गर्दन में हांडी बंधी होती थी और पीछे झाड़ू बंधी होती थी। इसी प्रकार कई जगह ऐसा भी देखने में आता है कि हमारे यहाँ किसी की अगर शादी होती थी तो पहली रात शादी की हमारे जो घर में बहू आती थी उसको ठाकुर के घर जाना पड़ता था। तो इस तरह की तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं पूरे देश में देखने को मिलती थी, जिससे हमारी जो स्थिति इतनी बदतर हो गई, वो बाबा साहेब का जो पूरा जीवन संघर्ष जो लगभग 1920 से शुरू होता है और 1956 तक लगातार चलता है, उसके माध्यम से जो रिजर्वेशन मिले, इसमें मैं ये देखता हूँ कि जो आरक्षण का आधार बेसिकली जातिवाद है। और बार बार ये बात निकल के आ रही कि आरक्षण तब तक, जातिवाद जब तक। तो जातिवाद क्या देश के लोग खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्या जो एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर कुछ चंद जातियों को ही पूरी तरीके से कब्जा है, उस व्यवस्था को क्या आज तक कोई सरकार हटा पाई है? एक ही जाति का कब्जा सेना के अंदर है, कुछ एक जाति का कब्जा मीडिया के अंदर है। तो अगर देखा जाए तो चंद जातियों का पूरे देश की सभी संस्थानों पर, सभी व्यापार पर, सभी इंडस्ट्रीज पर, सभी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर, प्राइवेट कॉलेजेस पर, सभी जगह कुछ चंद जातियों का कब्जा है। तो क्या वहाँ रिजर्वेशन लागू है? जवाब आप जानते हैं, वहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं है। अब मैं सिलसिलेवार आगे बढ़ता हूँ कि एक आरक्षण है जो संवैधानिक संवैधानिक आधार पर मिला, लेकिन दूसरा एक आरक्षण है जो वैदिक आधार पर मिला, एक आरक्षण जो घोषित आरक्षण है, दूसरा आरक्षण जो अघोषित आरक्षण है। जैसे कोलिजियम के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जजेस बनते हैं, क्या उसका कोई रिटन टेस्ट होता है? अगर हमारे लोग सिविल सर्विसेज में एग्जाम पास करके उसको टॉप कर सकते हैं और वो पूरे देश में नीति निर्धारित करने के लायक बन सकते हैं, अगर वो पूरी देश की सरकारों को चलाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो क्या उसी तरह जिस तरह यूपीएससी उस एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसी तरीके से अगर न्यायपालिका के अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोई रिटन टेस्ट होता और वो भी यूपीएससी जैसा संस्थान उसको करता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जिस मात्रा में हमारे जजेस होने चाहिए थे, क्या वो काबिल जज ना होते? इसका जवाब भी यही निकलेगा कि काबिल लोग हमारे समाज में हैं,
और वहाँ भी जरूर पहुँचते बशर्ते कि वो व्यवस्था वहाँ मिलती, लेकिन कॉलेजियम के माध्यम से वहाँ एंट्री बंद है, क्योंकि जिनकी जिनको वहाँ पे एंट्री जिस माध्यम से मिलनी है उस माध्यम में हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है हमारे लोगों के लिए। इसलिए हमारे लोग हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर ना के बराबर पहुँच पाते हैं। अब मैं आता हूँ, जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेजेस, जहाँ कैपिटेशन फी के द्वारा, जहाँ मैनेजमेंट कोटे के तहत या NRI कोटे के तहत जिनके पास पैसा है वो लोग पैसे के दम पे एंट्री कर जाते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, हमारे लोगों के पास तो 99% के पास कोई पैसा नहीं है, वो तो पैसे दे के एक सीट अपने लिए रिजर्व नहीं करा सकते। तो ऐसे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ तो हमारे लोग एंट्री नहीं कर पा रहे, लेकिन वहाँ से जो MBBS MD करके मैनेजमेंट कोर्सेज करके जो बच्चे निकल रहे हैं, उनके मेरिट पे आप क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, कई बार एक सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं कि ये काबिल लोग नहीं है, आरक्षण की वजह से एफिशिएंसी गिर रही है, लेकिन मैं कुछ आंकड़े आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, भारत में 91% जमीन केवल स्वर्णों के पास है और 9% जमीन अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के पास है। भारत में व्यवसाय 96% केवल स्वर्णों के पास है, और अगर तमाम तरह की नौकरियों की बात करें तो 86% नौकरियां स्वर्णों के पास हैं। और अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज का डाटा देखें तो देश में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, जिसमें 1125 प्रोफेसर की पोस्ट हैं, इन 1125 में से केवल 39 प्रोफेसर यानी 3.47% अनुसूचित जाति से हैं, और केवल 6 प्रोफेसर यानी 0.7% अनुसूचित जनजाति से हैं, और OBC में 0% OBC का व्यक्ति प्रोफेसर की पोस्ट पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देश में जो 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के अंदर 95% से भी ज़्यादा सीटें जनरल के पास हैं। अब यहाँ मेरिट की बात आती है, चूँकि जब पूरे दुनिया की जो 200 सबसे बड़ी जानी मानी विख्यात यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन 200 यूनिवर्सिटीज़ में हमारे भारत की शायद एक भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती, और जब 96% के आसपास प्रोफेसर्स आप लोग हैं, अपर कास्ट के हैं, तो फिर आपकी मेरिट पे सवाल उठता है। अगर आप मेरिट वाले हैं तो फिर हमारा देश का नाम यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी 200 यूनिवर्सिटी में देश की कम से कम 10-15-20 यूनिवर्सिटीज़ तो होनी चाहिए।